नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु बस आप राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है और राहु जहां पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहां पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहां पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है, पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक है और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूंकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, उस चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं, इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद है वो और कहीं नहीं हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूंगी कि मैं राहु केतु के ट्रांसिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करूं। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों की। राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं, वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सी सॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके एक डेढ़ महीने पहले से, उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी, वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा, उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है, वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर हैं और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर हैं, क्योंकि केतु फिर जाएंगे सेवन साइन में, लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों ग्रहों के, तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पॉजिटर अच्छी स्थिति में हैं तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं, तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं, उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ दो भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम, और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी, उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी, जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। आइए अब चर्चा के क्रम में सबसे पहली राशि की बात करती हूँ, मेष राशि की। अगर आपकी राशि, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या लग्न राशि मेष है, तो आप इस फलादेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम की है।
देखिए 12 अप्रैल 2022 से राहु आपके लग्न में आएंगे और केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे। इन दोनों ग्रहों का इस तरह का मूवमेंट आपकी जीवन में क्या खुशियां और क्या परेशानियां लेकर आ रहा है, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करूंगी। लग्न में राहु आने का मतलब है आपकी महत्वाकांक्षाएं सर चढ़कर बोलेंगी। आप अपने जीवन से बहुत एक आशा की उम्मीद कर आप अपने जीवन से बहुत आशान्वित रहेंगे। आपको बहुत सारे बहुत उत्साह भरा रहेगा कि मुझे जीवन में ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है और वो भी अचीव करना है। बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए कि जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, राहु चाहें तो चुटकियों में उसे पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आप ये देखिए, आपकी अगर महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा बहुत सूटेबल है और अंतरदशा के लॉर्ड राहु के मित्र हैं, तो आप मान के चलिए कि ये राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु जब लग्न में आते हैं तो आपको महत्वाकांक्षाएं देते हैं, आपके लुक्स को बढ़ाते हैं। बिल्कुल आप उस मैजिकल पर्सनालिटी के हकदार होंगे कि क्योंकि हम सभी जानते हैं राहु केतु कितना सुंदर स्वरूप लेके आए थे अमृत पान के लिए, तो आपके लुक्स को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। अगर आप कुछ अपने चेहरे पे ब्यूटी एनहांसमेंट का प्रोसीजर लेना चाह रहे थे तो आपके लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा। आप चाहें तो आप किसी भी तरह के महंगे कॉस्मेटिक सर्जरी या लुक्स एनहांसमेंट की ट्रीटमेंट लेने वाले थे तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 4 चांद लगेगा और आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पाएंगे, बहुत प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव करेगा, बहुत आप अपने भाई बहनों के बीच में चहेते बनकर उभरेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, आप पराक्रम की ओर भी प्रवृत्त होंगे। आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए और इसे किस तरह से हासिल करूं, इसकी बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी। इसके बाद अगर बात करूँ तो देखिए षष्ठम भाव, जैसे मैंने कहा कि राहु जहाँ पे रहते हैं वहाँ से षष्ठम भाव आपके रोग ऋण और शत्रु का होता है, तो यहाँ ये आपके अकाल पुरुष की कुंडली ही होती है, मेष राशि की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली, तो ये तय है कि आपके रोगों का शमन होगा, आपके शत्रुओं का शमन होगा और आपने अगर अतीत में लोन ले रखा था, ऋण ले रखा था, तो उसका भी शमन होगा। राहु आपके लाइफ को सचमुच बहुत कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स्ड करने आ रहे हैं। केतु सप्तम भाव में आ रहे हैं, आपको मैरिड पार्टनर से जो चाहिए था, इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि मेरा एक ये जो वैवाहिक जीवन है या बिजनेस पार्टनरशिप भी, सप्तम भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप भी देखते हैं, व्यापारिक साझेदारी भी देखते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपके मन में एक सूनापन, एक खालीपन सा रहे, आपको एक बेहतर व्यापारिक साझेदारी की तलाश हो, या आपका जीवन साथी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको जो चाहिए था वो शायद आपको नहीं मिला और जो मिला वो आपको नहीं चाहिए था, इस तरह की भावना आप पे घर कर सकती है। शादीशुदा जीवन में अलगाव ना आए इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही बैलेंसिंग है, यही मायावी ग्रहों का माया जाल होता है। जहां आपको एक और लग्न में राहु बहुत अच्छा काम करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, वहीं पर सप्तम भाव के केतु आपको गृहस्थ जीवन से थोड़ा विमुख कर रहे हैं। केतु कहा जाता है कि जहां पर भी होते हैं वहां पर विनम्रता और पोलाइटनेस की उम्मीद की जाती है, तो ये एक टेस्टिंग टाइम है और इस परीक्षा में आपको सफल होकर ही नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपने वैवाहिक जीवन साथी को, आप अपने जीवन साथी को पूरा प्रेम और स्नेह दें, बातों में अपने मन में किसी भी नेगेटिव फीलिंग को उनके खिलाफ नहीं घर करने दें। अपने आप एक व्यक्ति में दो कमियां होती हैं तो 100 अच्छाइयां भी होती हैं। आप अपने जीवन साथी में अच्छाइयों को ढूंढें, उसे सराहें और उनके प्रेम और उनके साथ को इस जीवन यात्रा में एंजॉय करें। बस केतु इतना ही चाहते हैं और अगर आप इतना कर देंगे तो सप्तम भाव से भी संबंधित आपको सारे फल मिलने लगेंगे।
इसके अलावा देखिए दशम भाव में राहु की दशम भाव और आपके एकादश भाव को राहु बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। और राहु आपके दशम भाव जो कर्म स्थान होता है और एकादश भाव जो आय भाव होता है, इन दोनों भावों को बहुत अच्छे से सुसज्जित करने आ गए हैं। आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपको आप नई नौकरी के तलाश में थे तो आपको लग्न में राहु हैं, आपके मन मुताबिक आपको नौकरी मिल सकती है। बस निर्णय लेने में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा और किसी भी अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने फैमिली के बुजुर्ग या इस तरह के जो भी फादर फिगर है आपकी लाइफ में, उनकी सलाह से ही आप जॉब को चेंज करें, नई जॉब लें, इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लें, क्योंकि राहु एक छद्म वाले ग्रह हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको कुछ ऐसे जॉब के प्रपोजल्स या बिजनेस प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं जो आपको ऊपरी तौर पे सरफेस लेवल पे बहुत अट्रैक्ट करें, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें या डाउन द लाइन कुछ समय के बाद आपको उसकी पोल खुलती हुई सी लगे या फिर आप छले जाने का अनुभव आप ना करें, इसके लिए आप किसी जानकार विशेषज्ञ, किसी बड़े बुजुर्ग गुरुओं की सलाह से ही ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लें। इसके अलावा एकादश भाव देखिए, 11th हाउस में जब पाप ग्रह आते हैं या इवन कोई भी ग्रह आता है तो आपको बहुत अच्छा फल देता है। पूरे 18 महीने तक मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आय का स्रोत बना रहेगा, नए आय के स्रोत भी खुलते हुए दिख रहे हैं और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप नई दोस्ती, नई जान पहचान, नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। नौकरी व्यापार के सिलसिले में आप कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके एक्यूमेन के लिए, आपकी क्षमता के लिए आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, प्राइज मिल सकता है। इस तरह की स्थिति 18 महीने के दौरान जरूर बनेगी और बस आप अपने राहु केतु को और अच्छा बनाने के लिए आप शनिवार के दिन, देखिए कहते हैं कि राहु शनि के समान फल देते हैं और केतु मंगल के समान, आपकी कुंडली में अगर शनि और मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप मान के चलिए कि ये गोचर मेष राशि और मेष लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।